और हम कहेंगे कि मेरी शादी है और हम लहंगे देखेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलें। मैं किसी अंग्रेज के फ्यूनरल पे जा रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोई बेरी। तो आज मैं जा रही हूँ मामा के साथ खाना खाने, तो मैंने सोचा हम व्लॉग भी बना लेते हैं क्योंकि इतनी देर से मैंने यूट्यूब पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस, मुझे एक पीआर में आया था तो मैंने कहा आज हम वही पहन लेते हैं ताकि उसमें हम पिक्चर्स भी ले लें। ये है मेरा ड्रेस, ये इस तरह से है, लॉन्ग फ्रॉक है और आगे से इसका गला इस तरह से है, थोड़ा वी शेप में है और साथ इसकी बेल्ट भी है फिटिंग के लिए। बाकी मैं आपको रेडी होकर ये पहन के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने बाल बनाऊंगी क्योंकि बाल जब मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ ना तो मेरे बाल में यहाँ पे ऑयल ऑयल आना शुरू हो जाता है क्योंकि मेरा बहुत ऑयली स्कैल्प है। तो मैं इस वजह से इसमें पहले ही बाल बना लूँगी इससे पहले कि ऑयल से भर जाए मेरे बाल। तो बाल मैंने अपने बना लिए हैं कुछ ऐसे और हल्का सा हेयर स्प्रे किया ताकि वो सिक्योर रहें सारे। तो वो भी थोड़ा सा ऐसे ऑयली ऑयली लग रहे हैं, अभी यहाँ से ड्राई हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे। और अब मैं अपने फेस पे मेकअप करूँगी और फिर मिलती हूँ। ओके जी, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अब मुझे करना है ड्रेस चेंज। और मैंने ये रेड लिपस्टिक पता है क्यों लगाई है इतनी डार्क, क्योंकि मुझे ब्लैक के साथ रेड बहुत अच्छा लगता है, रेड का कम्बिनेशन। और ये देखो मैंने नेल पॉलिश भी इस वजह से रेड लगाई है और लिपस्टिक भी। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें आई हुई हैं मुझे पीआर में जो मैंने अभी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनानी है, वो मैं ड्रेस चेंज करके बनाऊंगी। मैंने कहा आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ, ये है और ये सब चीज़ें हैं। यहाँ कोई गंदा तरीन होकर सो रहा है, इधर देखो जरा ओगू, ओगी कल गया था बाहर और कल हो रही थी बारिश, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैंने नई नई करानी है और ये देखो कितना गंदे कान, हर चीज़ गंदी गंदी हो रही है। कल नई नई करेंगे हम, ओके होगी। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और ये मैंने अपनी ही एक बेल्ट लगाई है और मैं हूँ ब्लैक बार्बी। ब्लैक बार्बी से ज़्यादा मैं ऐसा लग रही हूँ कि मैं किसी के फ्यूनरल पर जा रही हूँ। मैं अभी आपको ग्लासेस लगा के दिखाती हूँ, रुके ये देखें, मैं किसी अंग्रेज़ के फ्यूनरल पर जा रही हूँ अब। ओके, बस एक हैट की कमी है, वो मेरे पास नहीं है, अगर वो भी होती तो कम्प्लीट था लुक मेरा है। बच गए। अच्छा, मुझे वो पी आर को अनबॉक्स करना था, मैं उसकी वीडियो बना लेगी। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, ग्लोई बेरी। मम्मा से भी मिल लें और मामा से भी मिल लें, मामा हाय कर दो। तो अब हम आए हैं रेंजर्स पे, मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखाती हूँ, बहुत मज़े की है, मुझे बहुत मज़े की लगती है क्योंकि यहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम ज़रा ऑर्डर करने लगे हैं। मैं अपने खाने का इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़े। किससे खाने का इंतज़ार करते हैं? एक्साइटेड हो गए? नहीं, बहुत भूख से इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मामा, आपके इस बारे में क्या विचार है? आपको भूख लग रही है? मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, इससे भी ज़्यादा लग रही है। क्यों, आपने कल खाना नहीं खाया? नहीं, सुबह नाश्ता नहीं किया। बिकॉज हम लोग लेट उठते हैं और उठते साथ हम लोग यहाँ आ गए, आज मुझे जल्दी आना था। मैम, आप कुछ बताएं अपने बारे में। मैम, क्या आप हमें सुन सकती हैं? मैम, ये मैम इनसे सिस्टर है, जाके इन्हें जाके बोलो करें। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना आ चुका है और मुझे बेताबी से इंतज़ार है इसका। आउच, गर्म था भी। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ, बहुत मज़े का लग रहा है। मैंने बर्गर के ऊपर से बन खा लिया, सेंटर से सलाद खा लिया, बाकी बच गया। और ये सारे कह रहे हैं हम नहीं खा सकते, मैं बहुत गंदा लग रहा है। और मैं इसको ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हूँ पर मुझसे फिनिश नहीं हो रही क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। थैंक यू। चले हम। फ्रेंड्स, आप यकीन करेंगे यहाँ पे मेरे आसपास हर लड़की ने पिंक पहना हुआ है क्योंकि बार्बी मंथ चल रहा है, तकरीबन एक महीना हो गया बार्बी हुई है। और मैं यहाँ पर सिंगल ब्लैक बार्बी बैठी हूँ। इसका मतलब ये है कि बार्बी की लाइफ में जो एक शैतान होता है वो मैं हूँ।
अब बारबी का वर्ल्ड चल रहा है तो पहनने तो मुझे भी इसी तरह के ड्रेस है ना, क्या ख्याल है? हाँ हाँ, तो मैं वो मैंने एटम बम बनाया, मैं उसकी सपोर्टर हूँ यार, श्योर मुझे बारबी तो बार मैं दिल से थी। अब हमने खाना वगैरह खा लिया, अब हम जा रहे हैं वापस, अभी हम इन ड्राइवर करवाएंगे और फिर हम जाएंगे। मैं यहाँ बैठ के रेस्ट कर रही हूँ और हमें एक आइडिया आया है और वो आइडिया ये है, मैं से कह रही हूँ कि हम लोग इस वाली ब्रांड पे जा रहे हैं और हम कहेंगे कि मेरी शादी है और हम लहंगे देखेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलें। चलो चलवाओ मम्मा, चलो हम चलते हैं लहंगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें पीछे, ये कितना मज़े का लहंगा है, बर मैक्सी आई है वलीमे के लिए, वलीमे का भी देखना मुझे, मेहंदी का भी देखना। मुझे अपनी शादी के लिए पसंद आ गया, कितना अच्छी, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मजाक कर रही हूँ। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरह का है, बिल्कुल भी मज़े का नहीं लग रहा मुझे, बाकी भी हम अभी देख रहे हैं। ये भी अच्छा लग, ये अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने, तो ये देखना ये 2 लाख का है, अच्छा भी तो कलर लगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये मज़े का कलर लग रहा है, ये मज़े का, ये मज़े का गाइस, ये ले लें आगे आप लोग देखें, इस पर इस तरह से टसल्स भी लगे हैं बहुत प्यारे से, ये देख, ये भी मज़े का, ये मैंने किसी को पहने देखा भी है। देर में आ रहा है ऊपर चलें कि नहीं, 2 मिनट में आ रहा है वैसे वो, हम यहाँ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। इसके प्राइस देखो, इधर मुझे भी देखो, 43,000 तो इसमें है क्या? ओके, इसका एक पास वो लग के लग के, कोई लेना चाहता है तो यहाँ से ले सकते हैं, समझ भी नहीं, ये ब्रांड ने मेरा देख लिया ना गलती से मुझे। ये 1,39,000 का, ओके ये 1,39,000 का, जो मैं कभी भी ना लूँ, 15,000 का भी। थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की है जिसके बाद हमें पता चला है कि मेरी शादी के लिए हमें ड्रेस लेने हैं, अगर सब ड्रेसेस लेने हैं तो उसके लिए हमें 10-15 लाख साइड पर करने पड़ेंगे। थोड़े तारीफ यार, मैं थोड़ा रीजनेबल लूँगी ना, 50-50 का एक लूँगी नहीं, मैं अपनी शादी पे सिर्फ 2 दिन करूँगी तो इस वजह से हम इतने में कर सकते हैं, 3 दिन करूँगी। यस, और वहाँ मामा मुझे कहते थे लीजा ये देखो ये तुम्हारे माइयों के लिए ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं घर आ गई हूँ, और मैं ना कहीं से भी बाहर से जब होके आती हूँ ना, चाहे 10 मिनट के लिए जाऊँ चाहे आधे घंटे के लिए जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज करूँगी, मुंह साफ करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी वापस, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।